हेलो गाइस, मैं हूं मधुबारी और मेरे नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बोला ही था ना कि मैं अमृत पार्क का ब्लॉगिंग करने वाला हूं, तो अभी हम लोग अमृत पार्क में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं अमृत पार्क का नज़ारा किस तरह है। ये गेट है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। हमारे साथ कौन कौन है? ये गणेश है, आप तो पिछला वीडियो में देखे थे, और ये क्रिश। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा मज़ा आएगा, और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बाहर का व्यू किस तरह है। ये गेट और ये थोड़ा सा लाइटिंग जा रहा है, इससे कुछ दिख नहीं रहा, और उधर टिकट काउंटर है। बहुत ही अच्छा व्यू है इसका, और अभी अंदर जाएंगे और अंदर में आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा अच्छा जगह है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा मज़ा आएगा घूमने में। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहीं पे पार्किंग है अमृत पार्क का, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी। यहाँ पे देखिए अभी पूरा गाड़ी लगा हुआ है, टू व्हीलर, इधर फोर व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं आप। यहाँ पे फोर व्हीलर भी पार्क हो सकता है, और देखिए अभी सब बहुत सारा ऐसा फोर व्हीलर है जो पार्क हो रहा है, देखिए अभी। और पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, पार्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये अमृत पार्क आप जानते होंगे कि अमृत पार्क जस्ट गड़गा पुल के बस अपोजिट साइड ही है। गड़गा पुल जैसे क्रॉस कीजिएगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही है अमृत पार्क। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं अभी, और देखते हैं उसका व्यू कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा इन तक, बहुत ही मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, और हम लोग अभी लाइन पे खड़े हुए हैं टिकट कटाने के लिए, और आप देख सकते हैं अभी आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लाइन है। देखते हैं दोस्तों, ये टिकट काटने का काउंटर, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है ये टिकट काउंटर। यहाँ पर गणेश टिकट कटा रहा है, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, और हम लोग अभी अमृत पार्क के अंदर, आप देख सकते हैं ये टिकट, आधा टिकट मिला, और आधा टिकट वो खुद ही रख लिए, क्या पता क्या आधा टिकट दिए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, और आपको दिखाते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं दोस्तों ये कितना मस्त मस्त गार्डन है यहाँ, छोटा मोटा गार्डन है, और जस्ट सामने में ये स्टैचू है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है स्टैचू, आप देख सकते हैं। और आगे भी चलते हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये छोटा मोटा झरना है, कितना अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं ऊपर एक बर्ड भी है, देखिए, और बर्ड का मुंह से ही पानी निकल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना मस्त है, और नीचे वो पानी नीचे गिर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं, और कितना मस्त मस्त देखिए स्टैचू बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मछली लिए हुए हैं, लगता सही में सिल्वर का है, और ये देख सकते हैं नीचे पानी गिर रहा है ये। और यहाँ पर भी एक स्टैचू है, देखिए ये भी शख्स एक स्टेच मछली लेके हुए हैं सिल्वर कलर का, और आप देख सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पे रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे कुछ भी आके खा पी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इस होटल, इस रेस्टोरेंट का नाम है ट्यूनिस फास्ट फूड, आप आके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी फ़ोटोशूट हो रहा है, देखिए ये फ़ोटोशूट प्लेस भी है, यहाँ पे आप आके फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं, और बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। और यहाँ पे एक बर्ड भी है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और उसके सामने में जो छोटा छोटा पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे एक मशरूम है, जो हाथ का कलाकारी है, बहुत ही अच्छा है मशरूम। और यहाँ पे एक छोटा मोटा भालू भी है, आप देख सकते हैं ये भालू रखा हुआ है, पांडा भालू, छोटा मोटा मिनी भालू। और आप देख सकते हैं ये मशरूम बना हुआ है हाथ के कलाकारी से, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों और एक चीज़ हम बताने वाले थे कि ये लाइटिंग का काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा हुआ, आप लाइटिंग का देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट का कितना अच्छा काम किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली लाइट ही है, इधर आप दूर दूर तक देख सकते हैं। चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध का स्टैचू भी है, बहुत ही अच्छा स्टैचू है, आप देख सकते हैं यह गौतम बुद्ध का स्टैचू। दोस्तों आप देख सकते हैं स्माइलिंग बोकारो, बहुत ही अच्छा प्लेस है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइलिंग बोकारो। और हम लोग बोकारो के वासी, इसलिए वहाँ पे इमोजी भी डाला गया है, क्योंकि बोकारो के वासी इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, देख सकते हैं आप दोस्तों। वहाँ पर गणेश फ़ोटोशूट करवा रहा है, फ़ोटो क्लिक करवा रहा है दोस्तों। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर स्टैचू यहाँ पर भी बना हुआ है, और इन शख्स को देख सकते हैं आप, अभी हुक्का पी रहे हैं, ये हुक्का पीने में बिजी है ये। और यहाँ पे एक देखिए एक आंटी जी है, स्टैचू बना हुआ है, और यहाँ पे और एक आंटी जी है जो पैर से कुछ कर रहे हैं, लोहा गर्म कर रहे हैं जी, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बच्चों लोगों के लिए झूला दिया गया है, झूला स्लाइडर, और कितने लोग देखिए बच्चे किस तरह मस्ती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वो, देखिए झूला, बच्चे लोग पूरा झूले में झूल रहे हैं, और स्लाइडर भी है वहाँ पर, आप देख सकते हैं
बच्चे लोग पूरा घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और आप देख सकते हैं ये क्या होगा दोस्तों। देखिए अब अचानक लाइट कट गया है, और अभी दिखाएंगे इसको, अभी लाइट आने दीजिए, उसके बाद इसको दिखाते हैं आपको। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट आने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है ये। ये भी एक हाथ का ही कलाकार से बना गया है, ये देख सकते हैं ये बैल है, और इस साइड भी एक बैल है, और इसको बोलते हैं हम लोग बैलगाड़ी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोशूट भी हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक शायद झोपड़ी बना हुआ है, ये शायद कुछ बनने के लिए तैयार हो रहा है, और अभी बना नहीं है, इनकम्प्लीटेड है। कंप्लीट होने के बाद इसको भी देखेंगे आगे क्या बनता है। हेलो दोस्तों, और आप लोग देख सकते, थोड़ा सा हम लोग भी फोटोशूट करवा लेते हैं, वीडियो को देखते रहेगा हमेशा, मज़ा आएगा। दोस्तों ये दोनों फोटोशूट करवाना चाहते हैं, इसका भी फोटो खींच लेते हैं, चलिए इनका भी फोटोशूट हो गया, और अभी आगे भी फोटोशूट करवाते हैं। दोस्तों और आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये कितना मस्त बैकग्राउंड है, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, यहाँ पे फोटोशूट भी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग फोटोशूट करवा रहे हैं, और बैकग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है। हेलो दोस्तों, और हम लोग अभी अमृत पार्क के बाहर निकल चुके हैं, और बहुत ही मज़ा आया अमृत पार्क घूम के। अगर बोकारो आएंगे तो ये पार्क ज़रूर आइएगा घूमने, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और आप तो वीडियो में देखी होंगे किस तरह यहाँ पर फोटोशूट भी हो रहा था, और भीड़ भी बहुत जा रही था। अगर बोकारो आएंगे तो यहाँ ज़रूर घूमने आइएगा, ज़रूर ज़रूर से ज़रूर, बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप देख ही लिए होंगे वीडियो पर। तो ठीक है, ये देखिए दोस्तों, तो हम लोग अभी समोसा खा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो ज़रूरी करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।